छठ पूजा करने वाले लोगों को छठ पूजा में सहयोग करने के लिए एक और जहां राज्य सरकार सहयोग कर रहा है, वहीं विभिन्न सामाजिक संगठन के द्वारा भी इसी कड़ी में आगे आकर छठ पूजा करने वाले जरूरतमंद छठ व्रतियों को सहयोग किया जा रहा है। कल इसी कड़ी में कालचीनी थाना के अधीन के राजाभातखोवा अंचल के जयंती दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच कालचीनी बिहारी कल्याण मंच की ओर से छठ पूजन सामग्री वितरण किया गया है। इस जगह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तृणमूल के ब्लॉक सभापति पासंग लामा उपस्थित थे। इस जगह पहुंचे मुख्य अतिथि पासंग लामा ने कहा कि छठ पूजा में सहयोग करने के लिए एक और जहां मुख्यमंत्री आगे आई है, वहीं विविध संघ संस्था भी छठ पूजा में सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इस जगह आज कालचीनी बिहारी कल्याण मंच के द्वारा पहुंच यहां रहने वाले और छठ पूजा करने वाले करीब 60 छठ व्रतधारियों में खाद्य सामग्री दिया गया है। और हमारे जो 3 दिन तक निर्जल होकर बिना पानी पिए हुए व्रत रखते हैं, उनके सहयोग हेतु हमारे कालचीनी बिहारी कल्याण मंच कालचीनी बिहारी कल्याण मंच की ओर से आप लोगों को जो सहायता प्रदान किया जा रहा है वाकई एक काबिले तारीफ है। क्योंकि देखिए, बहुतों का मन होता लेकिन धन नहीं होता, बहुतों का धन होता मन नहीं होता, लेकिन मैं देखा हमारे कालचीनी बिहारी कल्याण मंच के जो हमारे कार्यकर्ता उनके पास में मन भी है धन भी दोनों ही है। और मैं कल भी यही सहयोग राशि दान पुण्य में मैं भी कल उनके साथ में था, आज भी हूँ। हम लोग आज कालचीनी से बहुत ही दूर इस दुर्गम एरिया जयंती के इस जंगल के क्षेत्र में रहने वाले हमारे हिंदी भाषी के लिए जिन्होंने सोच के मुझे भी यहाँ पे लेके आया, सच में मैं भी आज धन्य हूँ। मैं भी अपने को खूब खूब धन्य मानता हूँ। और आज अभिषेक बनर्जी का जन्मदिन भी है, खुशी का दिन भी है। और आप लोगों का जो सहायता जो सामग्री है उनके साथ साथ में मैं भी हमारे तरफ से आप लोगों को मच्छरदानी हम लोग भी दे रहे हैं साथ में, कि आप लोगों को मच्छरदानी हम लोग साथ में देना चाहते हैं। और मैं यही आशा करूंगा आप लोगों को जितने भी हमारे हिंदी भाषी हैं सब एकत्र रहे, गोलाबंद रहे, एक साथ रहे। क्योंकि मैंने देखा विगत दिन में हमारे जो हिंदी भाषी है लगभग कालचीनी ब्लॉक कालचीनी विधानसभा क्षेत्र में 16,000 लगभग हमारे हिंदी भाषी है, लेकिन उनको टुकड़ा टुकड़ा करके हर किसी ने फायदा लूटा है। तो मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ, हमारे दीदी चाहती है कि हिंदी भाषी एक हो, इसीलिए हिंदी प्रकोष्ठ का एक नया एक मोर्चा बनाया गया है। तो आप लोग से मेरा आह्वान है कि कोई भी कष्ट है, कोई भी दुख है, हम लोग मिलकर टेबल टॉक करके समस्या का समाधान करेंगे, निवारण करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे श्री कौशल झा सर जी को धन्यवाद दूंगा। मैं मेरी बहन इस राजाभातखोवा अंचल के प्रधान, आपके ग्राम के प्रधान मेरी बॉबी लामा बहन, ये आपके साथ में है। इन्हें आप थोड़ा दूर ना करें, इन्हें करीब लेकर चलने की चेष्टा करें, वो हमेशा आपका साथ देंगी।